हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास। स्वागत करता हूँ हमारे आपके यूट्यूब चैनल एडुकेटिव विकास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ डिजिटल पेंटिंग का फोटोशॉप ब्रशेस, जो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन जब आपको इस रार फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपका एक पासवर्ड की ज़रूरत होगी, जो पासवर्ड इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बगल के घंटी वाला आइकन को ऑल पे रख देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, आप लोगों से 95% लोग जो मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। फ्रेंड्स, अगर सब्सक्राइब करके रखते हो, बहुत सारा आप लोगों को फोटोशॉप का ट्यूटोरियल मिल जाएगा इस चैनल के अंदर, और बहुत सारा आपको फोटोशॉप का प्लगइन्स वगैरह, यहाँ पे ब्रश वगैरह, बहुत सारा चीज़ें आपको फोटोशॉप के रिलेटेड यहाँ पे मिल जाती है। तो वीडियो पे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप ओपन कर लूँगा और वहाँ पे जाके आप लोगों को सारे स्टेप्स दिखाऊंगा। तो चले, सबसे पहले मैं मेरा फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। मैं आज फोटोशॉप CC 2019 यूज़ करने वाला हूँ। आप कोई सा भी वर्सन यूज़ कर सकते हैं। फोटोशॉप का CS3 वगैरह, जो CS4 वगैरह, वहाँ पे भी आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लेटेस्ट वर्सन यूज़ करते हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो चलिए, देख सकते हैं मेरा फोटोशॉप CC 2019 ओपन हो चुकी है। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक फ़ोटो लेके रखा हूँ, जिस फोटो के ऊपर मैं काम करूँगा आप लोगों को सैंपल्स दिखाने के लिए, क्योंकि इस वाला फ़ोटो थोड़ी सी हार्ड टाइप का फ़ोटो है। आप लोगों को जूम करके दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं इस तरह का थोड़ी सी हार्ड टाइप का फ़ोटो है। सिंपली यहाँ पे अगर मैं, आप नॉर्मल सी कोई सी डिजिटल पेंटिंग करने जाते हो तो यहाँ से आउटपुट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। तो आप लोगों को करना क्या होगा, ये वाला जो फाइल्स है, एक रार फाइल में आप लोगों को मिल जाएगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड कर लेने के बाद जो पासवर्ड इस वीडियो में मिलेगा, तो उस पासवर्ड के जरिए से आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लेना। और एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद आपको सिंपली वो वाला जो जो फाइल है उसको ऐड करना पड़ेगा ब्रश के अंदर। तो कैसे करोगे, यहाँ से देख सकते हैं ड्रॉप वाला टूल मिलेगा यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे स्मार्ट टूल मिल जाएगा, स्मार्ट टूल को सिलेक्ट कर लेना, इस एरो के ऊपर एक बार क्लिक कर लेना। यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का आइकन मिल जाएगा, तो सिंपली सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपको इम्पोर्ट ब्रशेस करके आपको क्लिक कर देना है। इम्पोर्ट ब्रश के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डेस्कटॉप में मैं रखा हूँ वो वाला ब्रश, यहाँ पे जाऊँगा, देख सकते हैं डिजिटल पेंटिंग ऑल ब्रश। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो देख सकते हैं नीचे एक फोल्डर आ चुकी है, डिजिटल पेंटिंग ऑल ब्रशेस। तो इस फाइल को आपको ओपन करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको हेयर ब्रश मिल जाएगा, स्किन का रिटचिंग का, स्किन का जो स्मार्जिंग, जो डिजिटल पेंटिंग करने वाला वो जो ब्रश है वो भी मिल जाएगा आपको। यहाँ पे ड्रेस वगैरह के ऊपर स्मार्ज पेंटिंग करने वाला वो भी ब्रश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 लगभग 6 यहाँ पे ब्रशेस है। पहली वाली जो ब्रशेस है वो स्किन के लिए है, आप लोग स्किन के ऊपर आसानी से यूज़ कर पाओगे। थोड़ी सी मैं बड़ा कर लिया, आप लोगों को एक सैंपल दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो मैं यहाँ से सोचिए स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं किस तरह आउटपुट मिल रहा है, आप लोगों के आँखों के सामने ही मिल रहा है। तो इस ब्रश के जरिए से आप स्किन के ऊपर आसानी से ब्रश कर सकते हो और अच्छा सा एक आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो देख ही सकते हैं किस तरह का मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो आप यहाँ से मैं और एक चीज़, और एक पार्ट पे ले चलता हूँ कहीं इधर जगह पे, जहाँ पे आपको और भी थोड़ी सी डिफ़िकल्ट जगह है, तो वहाँ पे मैं और भी कोई डिफ़िकल्ट जगह पे ले जाता हूँ, जैसे कि इस साइड पे। तो इस साइड पे अगर मैं ब्रश करता हूँ तो आप लोगों के आंखों के सामने देख ही पाओगे किस तरह का मेरे को आउटपुट मिल रहा है। तो इस ब्रश के जरिए से आप आसानी से यहाँ पे स्किन वगैरह तो चेंजेस कर ही सकते हो। अब स्किन चेंजेस करने के बाद आप, और एक बात बता दूं आप लोगों को कि जो हेयर ब्रश होता है उसका काम एक बार बता दूं। देख सकते कितना अच्छा खासा यहाँ पे आउटपुट मेरे को मिला है। तो अब मैं क्या करूँगा, वो जो हेयर ब्रश है वो यहाँ वाला आइकन पे जाऊँगा। हेयर ब्रश आपको 3 lines के जैसा दिखेगा ये वाला, सिंपली इसको सिलेक्ट करना है। देख सकते 3 बिंदे आ चुका है बड़ा बड़ा, तो मैं इसको छोटा कर लूँगा, जितना छोटा चाहो आप इतना तक कर सकते हो। और कर देने के बाद मैं दिखा देता हूँ, ये वाला हेयर है तो सिंपली अगर मैं इसके ऊपर इस तरह ड्रैग करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हेयर अच्छे से यहाँ पे स्मार्जिंग हो रही है, डिजिटलाइजिंग हो रही है। तो आप लोग इस ब्रश के जरिए से बहुत ही आसानी से अपना हेयर वगैरह एडिट कर सकते हो। अगर आप CV का फोटो एडिटिंग कर रहे हो और अदर कोई ट्यूटोरियल कर रहे हो जहाँ पे आपका हेयर में ब्रश करना है, तो आप इस ब्रश को आसानी से यूज़ कर सकते हो। इस ब्रश का लिंक भी आपको इस राइट फाइल के अंदर मिल जाएगा, आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेना, डाउनलोड कर लेना उसको। तो यहाँ पे इस तरह करते हैं, और बाकी वाला जो ब्रश है आप लोगों को वो वाला ब्रश भी दिखा देता हूँ।
सेकेंड वाला ये जो ब्रश है, इस ब्रश के जरिए से देख सकते हैं बड़ा बड़ा आप किसी जगह का ज़्यादा आप यहाँ पे स्मार्जिंग कर सकते हो। जैसे मैं देख सकते हैं ये छोटा ब्रश करके आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा करोगे तो यहाँ से स्किन का खराबी आएगा। मेनली यहाँ पे प्रॉब्लम जो होती है स्किन का खराबी आएगा। यहाँ पे स्किन पे यूज़ मत करना, कोई कोई इसको फोटो मतलब हेयर पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे और एक ब्रश है ये वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह होता है, कुछ इस तरह का होता है। तो यहाँ पे मैं बड़ा करके कर रहा था इसीलिए इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पेस्टल डार्क 64 जो ये वाला ब्रश है, तो ये कुछ इस तरह का आता है। यहाँ पे ये भी आप हेयर पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं सेकंड वाला जो दिखाया था उसको आप हेयर पे अगर वो जो आप स्किन के ऊपर ही अंदर यूज़ करते सकते हो, जैसे पहली वाली ये वाला। तो बाकी वाली जो है वो आप हेयर के अंदर वगैरह यूज़ कर सकते हो। ये वाला को आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पूरा ही यहाँ पे ब्लर कर दे रहा है। तो सिंपली छोटा करके एक बार चेक कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरह का आउटपुट मिल रहा है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा सबसे ज़्यादा अच्छा ब्रश है पहली वाली जो है ये वाला। सबसे पहले स्मूथिंग स्पंज ब्रश, इसको आप यूज़ करना स्किन के ऊपर। और ये वाला जो देख सकते हैं सैम्पल ब्रश, सैम्पल ब्रश वन जो 3 डॉट वाला इस तरह दिखेगा, उसको आप हेयर के अंदर यूज़ कर लेना। तो उसके बाद आप लोगों को बहुत ही आसान सा एक मतलब आसानी से आप स्मज पेंटिंग वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पे बुरा स्किन लग रहा है। अगर आप स्मज पेंटिंग कर लेते हो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आउटपुट मिलने लगेगा। तो देख सकते हैं स्मजिंग अगर आप करते हो किसी फोटो का, इसके ऊपर आप और एक काम कर लेना कि नया एक लेयर लेना, यहाँ से कोई सा कलर वगैरह ऐड करना। कलर वगैरह ऐड करने पे स्मजिंग जो पेंटिंग होता है वो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे लुक देने लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले मैं नया लेयर लिया, ब्रश किया यहाँ से कुछ इस तरह। और ब्रश करने के बाद आपको ओपेसिटी चेंजेस करके देखना है कि कौन सा किस में आपको अच्छा सा यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, तो उसके अंदर ही आपको चली जाना है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ सारे को, तो यहाँ पे नॉर्मल सी तो कोई यहाँ पे मिल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से ओपेसिटी थोड़ी घटा दीजिए और जो हाई ये है नॉर्मल फ्लो है उसको भी घटा के कुछ इस तरह का स्किन के ऊपर लोग ब्रश करते हैं और वहाँ से बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे आउटपुट मिल जाती है। इसका ब्रश का साइज़ बड़ा करके आप इस तरह करके येलो टोन ला सकते हो, येलो मैंने मतलब कलर ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं अगर आप लोग चाहते हो ओनली इस तरह डिजिटल पेंटिंग वाला ब्रश, तो इस वीडियो के अंदर आपको तो मिल ही गया होगा और पासवर्ड तो आप लोगों को मिल ही चुका होगा। पासवर्ड अगर आप लोगों को नहीं दिख चुका है तो मैं और एक बात बता दूँ, पासवर्ड है EB9105। तो सिंपली आपको इसको यूज़ करना है और उसके बाद आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करके जाना। तो चलिए मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, नया एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।